हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप ब्लॉगर में। तो आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस पहुंचा हूं, लगभग 9 बजे के आसपास, क्योंकि मैं उठा ही लेट हूं आज। तो गाइस, फिर आपको पता ही है, उठा लेट तो फ्लाइंग वगैरह भी नहीं थी आज, क्योंकि अभी जो है हमारा काम सैटरडे संडे के आसपास ही ज़्यादा निकलता है सबका। बीर बिलिंग में अभी जो है मतलब सीजन का स्टार्टिंग हुआ है, तो इस अभी तक मतलब अभी जो है आपका कोर्सेज ज़्यादा होते हैं इस मंथ में जो आपका अक्टूबर नवंबर मंथ ले लो, दिसंबर मंथ तक, तो इसमें पैराग्लाइडिंग जो टैंडम राइड्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं। तो कोर्सेज वगैरह आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अगर किसी को कोर्सेज वगैरह करने होंगे तो हम पैराग्लाइडिंग स्कूल भी बताएंगे आपको। इसमें जो है हम जैसे हमारे जो जिनके साथ भी जो भी मुझे अच्छे लगेंगे, जितने भी हमारे पैराग्लाइडिंग स्कूल हैं यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। बट बात यह है कि मतलब खुद मेरे को पर्सनली जो मतलब अच्छा लगता है टाई अप वगैरह रहेगा, उसके साथ मैं आपका लिंकअप करवाऊँगा। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसके साथ करना है, आप भी सर्च कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें मैं करवा सकता हूँ। इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें अगर आपको सीखना है या टैंडम राइड्स वगैरह करनी है या हमारे साथ या कहीं और पर भी, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे वो चीज़ें। और इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हो, फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हो। शाम के टाइम की फ्लाइंग या सुबह के टाइम की फ्लाइंग द बेस्ट फ्लाइंग होती हैं। अगर मतलब मेरे हिसाब से लो आप रैंडम राइड्स करनी हो तो सुबह और शाम के टाइम पे ही करो। दिन का टाइम थोड़ा बम्पी रहता है, जिसको डर वर लगता है उसके लिए तो शाम और सुबह की फ्लाइंग सबसे बेस्ट है। तो आओ कभी गाइस हमारे साथ फ्लाइंग करने के लिए। तो गाइस अभी बस फ्री बैठे हैं हम ऑफिस में, अभी ऑफिस में कोई भी नहीं है हमारे, क्योंकि सभी बाहर हैं, चेले वगैरह ग्राउंड कर रहे हैं। तो चलो थोड़ी देर के बाद हम भी उनके पास जाते हैं, उनका ग्राउंड वगैरह करवाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह से उनका ग्राउंड होता है और किस तरह से हमारा डे चलता है जब हम फ्री होते हैं। तो गाइस अभी हमारे स्टूडेंट ग्राउंड कर रहे हैं, इनको ग्राउंड वगैरह करवा रहे हैं। देखो ये सारा ग्राउंड एरिया है हमारा अभी। नहीं, चांस कम ही है मैं बोला। तो गाइज अभी बस आ गया मैं ग्राउंड से, ग्राउंड करवा के लंच टाइम हो रहा है तो मैंने सोचा चलो लंच वगैरह कर लेते हैं। तो गाइज अभी लंच टाइम हो रहा है हमारा, तो मैंने सोचा लंच वगैरह कर लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि आज हमने लंच में क्या लाया। तो ये देखो गाइज लंच हमारा, ये आलू बैंगन की सब्जी है, रोटी साथ में और ये चटनी। तो बस अभी खाना पीना करेंगे, फिर उसके बाद फ्लाइंग आ रही है तो फ्लाइंग के लिए जाएंगे। तो चलो देखते हैं, अभी खाना पीना कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सीन क्या बनता है। आप देख रहे हैं आज तो ग्राउंड चल रहा है, अभी सुबह से ही स्टूडेंट का ग्राउंड चल रहा था, उनको ग्राउंड वगैरह करवा रहे थे, प्रैक्टिस वगैरह। तो अब फ्लाइंग की वेटिंग हो रही है, जैसे फ्लाइंग वगैरह आती है फिर उसके बाद फ्लाइंग करने जाते हैं। तो चलो गाइस खाना पीना कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपके साथ थोड़ी देर में। तो गाइस अभी हमारा लंच वगैरह हो गया, तो अब ऑफिस में बैठते हैं, क्योंकि ऑफिस के सारे लोग खाने पीने करने के लिए गए हैं। कुछ इस तरफ गए हुए हैं, मार्केट की तरफ गए हुए हैं, कुछ आगे पीछे गए हुए हैं, कुछ ग्राउंड कर रहे हैं। तो मेरा खाना पीना हो गया, तो मैंने सोचा मैं ही बैठता हूँ ऑफिस में, अब देखते हैं क्लाइंट वगैरह कब आते हैं, फिर फ्लाइंग के लिए कब जाते हैं। तो गाइस ये देखिए अभी सोलो पायलट जो फॉर्मर है हमारे, वो लॉन्ग फ्लाइंग करके आ चुके हैं। ये देखो गाइस पूरा मतलब हाफ डे की फ्लाइंग कर ली है इन्होंने, तो अभी ये नीचे आ रहे हैं क्योंकि मौसम पीछे की तरफ ख़राब हो रहा है। ये देखो पूरा फुल डे उड़ते रहते हैं इस तरह से। तो गाइज अभी हम टेक ऑफ पे आ चुके हैं और हम रेडी वगैरह हो चुके हैं, क्योंकि सनसेट टाइम हो रहा था। पिछले कल आपको दिखाया मैंने कि सनराइज़ टाइम का मौका मिला था फ्लाइंग का, तो आज सनसेट का मिला, तो बहुत मज़ा आएगा। आज बहुत ही अच्छा सनसेट है, तो और हम हैं भी बिल्कुल परफेक्ट सनसेट टाइम पे टेक ऑफ पे। तो चलो गाइज मिलते हैं अब हवा में। थोड़ा सा हाथ नीचे, दोनों हाथ नीचे, बिल्कुल स्ट्रेट है। अब रेडियो रेडियो चलो, तो रन करो, जोर से रन करो, जोर से रन करो, रन करो, रन करते रहो, 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 ओके रन करो। अपर बॉडी भी पीछे डाल दो अपने आराम से। ये कैमरा चल रहा है? यस चल दो, मेरे पास पानी किसी चीज को टच नहीं करना है। हाथ नीचे बिठा दो अपना, राइट लेग के ऊपर बिठा दो, आराम से राइट लेग के ऊपर बिठा दो, हाथ कैमरा नीचे, थोड़ा और नीचे हल्का सा।
जो पहाड़ देख रहे हो आप बर्फ वाले, वो जो है रानी की चादर है। क्या? रानी की चादर नाम है उस जगह। अच्छा। पर वहाँ पे कोई जाता नहीं, वहाँ फ्लाइंग जाते हैं लोग। तो वहाँ कुछ है क्या? तो गाइस बस अभी फ्री हुए, सनसेट फ्लाइंग थी तो सनसेट फ्लाइंग करके फ्री हुआ अभी। तो अभी मैं आपको थोड़ा लैंडिंग से सनसेट का व्यू भी दिखाता हूँ, और आपका जो है आज का सनसेट जो है फ्लाइंग हमारे साथ शिवानी जी ने की, जिन्होंने मतलब बहुत अच्छा किया, जो एक करना चाहिए किसी भी कस्टमर को, किसी पायलट के साथ जितना भरोसा हो सके उतना करना चाहिए। और बहुत अच्छी टेक ऑफ की हमारी, बहुत ही अच्छी लैंडिंग भी हुई। बट लैंडिंग के टाइम में एक प्रॉब्लम होगी हमारे, जो वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, जो वीडियो में आप देख लोगे। जो लैंडिंग टाइम हमारा जो है उसमें गोप्रो में एरर आ गया, तो उसका जो लैंडिंग का वीडियो नहीं बना बिल्कुल लास्ट एंड का, लगभग मतलब 15-20 सेकंड का वीडियो नहीं बना। तो प्रॉब्लम वो होगी, गोप्रो एरर कर गया, तो ये कभी कभी हो जाता है। फ्लाइंग बहुत अच्छी हुई, उन्होंने बहुत अच्छा मतलब रनिंग किया हमारे साथ, बहुत अच्छे से भागे। और वही बात है हमारे टेक ऑफ अच्छे होने की, शाम के टाइम आपको पता विंड वगैरह कम होती है, तो एक मतलब लड़की इतना अच्छा भाग रही है तो मतलब समझ सकते हो किस लेवल का एनर्जी रखा होगा उन्होंने, और कितने अच्छे से वो भागे वो आप देख सकते हो वीडियो पे भी। और मुझे भी बहुत अच्छा मज़ा आया उनके साथ फ्लाइंग करके, मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा उनके लिए, और उनका एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा, वो भी मैंने वीडियो में शेयर जरूर करूँगा। पता नहीं है
कि वो वीडियो वापस से स्टार्ट किया था मैंने, तो शायद मुझे लगता नहीं एक्सपीरियंस का वो पार्ट आया होगा, बट अभी मैंने वीडियो चेक नहीं किया, तो बस देखते हैं जाके, अगर आया होगा तो मैं ज़रूर डालूंगा, वरना आप उनकी फ्लाइंग से ही देख सकते हो कि उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा। और हाँ गाइज, हमारे चैनल के जो है 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, शायद आज या कल 2-3 दिनों में हो जाएंगे, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारे सब्सक्राइबर करवा दें, ताकि मैं भी हमारे चैनल में और ज़्यादा मेहनत कर सकूं और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूं। आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, तो गाइज वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल नॉनस्टॉप ब्लॉगर को, और इंस्टाग्राम और फेसबुक का मैंने लिंक नीचे दे के रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर भी जाके फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी पैराग्लाइडिंग के बारे में इंक्वायरी करनी हो या फ्लाइंग करनी हो हमारे साथ, या कोई कुछ भी पूछना हो, तो हमें मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो गाइस आज का व्लॉग करते हैं पंजाबी रसोई की छत के ऊपर, एंड यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था, तो ये मैं व्यू भी दिखाऊँगा आपको और व्लॉग का एंड भी यहाँ से ही करूँगा। तो चलो गाइस अभी आप व्यू देख लो, फिर उसके बाद एंड करते हैं व्लॉग का। तो गाइस ये देखो, अभी ये लास्ट फ्लाइंग हो रही है, अभी इधर देखो ये सोलो पायलट्स हैं उड़ रहे ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 6 बजे के बाद फ्लाइंग बंद हो जाती है पैराग्लाइडिंग, जो गवर्नमेंट रूल है उसके हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से बोला किया जाता है ये सब। तो ये सामने जो है रानी की चादर है, तो गाइज एंजॉय करो व्यू, कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है अभी का। गाइज जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। तो चलो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग पे, आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग पे। चलो बाय।